फोटो को ये लेते हैं मेरे ये पांच सौ तो भाई कल ही तो बोला इनको इनको दे देते ना बिस्कुट ठीक है बिस्कुट का पैकेट का यार छापो छापो इनको देंगे थोड़ा बिस्किट्स है और सालों का दे दूंगा ये भी और आप आपसे दे दीजिए भाई और राकेश भाई और भैया पहले बेटर तो स्लाइडर साथ ही लेना ये बोल दिया ना चाय के साथ ही लेना ये तो कुत्ते वाले भी चाय के साथ हां अच्छा सर लेकिन ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है मुंबई का एक बड़ा एनजीओ जहाँ पर भैया पशु पक्षियों को प्यार करते हैं उनकी सेवा करते हैं डेली 500 डॉग्स को खाना खिलाते हैं और आप देख सकते हैं पशुओं पर दया करें क्या बात है भैया का ये एनजीओ पूरे मुंबई में छाया हुआ है डेली अपना 3 से 4 घंटे ऑफिस में ना देकर पशु पक्षियों को खाना खिलाने जाते हैं कौन सी लोकेशन पे जाते हैं भैया कृष्णा भैया भी आपको प्यार देने के लिए आपके साथ में भैया पशु पक्षियों के लिए और भारत देश में क्या मैसेज देना चाहोगे अरे बिल्कुल मतलब ऐसे लोगों की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इस तरीके की फाउंडेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं एंड वी लव एनिमल्स मेरे घर पे भी एनिमल्स हैं तो एनिमल्स क्या वो तो एक आपके फैमिली मेंबर हो जाते हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग द बेस्ट भैया डेली 500 डॉग्स को खाना खिलाना है बहुत बड़ी बात है भैया और एक जिगरा चाहिए ये अपने सारे कारोबार को छोड़ के पहले पे कारोबार तो इनका बहुत अच्छा है वैसे तभी इतने क्या बोलते हैं डॉग्स को खाना खिला रहे हैं लेकिन बहुत लोगों के कारोबार अच्छे हैं लेकिन वो ऐसा सोचते नहीं ये बहुत अच्छी ये अच्छी बात है और इस मैदान में आप भी उतरे हो बहुत अच्छी हो गया मैं आ गया मैं तो भाई को मिलने आया था तेलका को और इनसे भी मुलाकात होगी इनको तो मैं जानता हूँ पहले से लेकिन ये बहुत अच्छे दिस इज आई थिंक द बेस्ट वीडियो वेरी गुड क्या बात है बेस्ट ऑफ लक राकेश भाई क्या बात है ओके ओके सर यहाँ पर आपको देखिए कि भाई एक भूखा है उसको पहले अपने ये बिस्किट देना है और ये तो आज हमारी तरफ से लेकिन आगे से अपने तरफ से भी करता हूँ तरफ से भी करना बिल्कुल एक कृष्णा सर एक आप दोनों का कर लेते हैं क्या बात है इस बार का बिग बॉस मुनावर जीत रहा है भाई देखो ये तो बाहर तेल का बाहर आया लेकिन ये भी विनर ही है अरे क्या बात है विनर है जो सब लोगों की मदद करता है हेल्प करता है मैं देखता रहता हूँ तेल का के वीडियोस और अभी तेल का से मेरा बड़ा प्यार हो गया है जब से बिग बॉस में आया मेरी मुलाकात हुई हमने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया और इसलिए मैं आया आज अभी खास मैं तेल का से मिल रहा है ये रूपला है कौन बताओ क्योंकि शादी शुदा है फिर भी रूपला रूपला नाम लेता है भाई अभिषेक के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो उसके साथ जो हुआ है अभी फिनाले आएगा हाँ तो फिनाले के बाद हम लोग नहीं वो जो पोकिंग करके जो हाथ उठाया समर्थ के ऊपर अभिषेक ने बिग बॉस में हाथ उठाना तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं लीगली करेक्ट नहीं है लेकिन अभी क्या वो लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन आज का प्रोमो कर रहा है कि वो इविक्ट हो रहा है करके ऐसा करके आज का प्रोमो में हुआ है अच्छा मुझे पता नहीं मैं देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता सेवा करते रहो अपनी सैलरी का 5% डोनेट करते रहो अच्छी नींद आएगी मिलेगा तगड़ा तहलका मचेगा जिंदगी के अंदर आई लव यू सो मच चलो कट करो हां रुक जाओ